हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल विद तनुषी। एंड यस, मैं हूँ तनुषी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडे अगेन मैं लेकर आ गई हूँ एक वन ब्रांड मेकअप लुक, और ये होने वाला है समर बेस्ट मेकअप लुक। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ओनली SQ यानी कि स्टे क्विकरी मेकअप प्रोडक्ट। तो मैं यूज़ करूँगी ओनली 6 मेकअप प्रोडक्ट। तो इस 6 प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं कैसी मेकअप लुक अचीव करूँगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए विदाउट giving any further ado, let's get into the video। पर हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे टोटल इन्हीं 6 प्रोडक्ट को यूज करके अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करने वाली हूँ। सो चलिए मेकअप लुक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ SQ की प्राइमर ऑयल, बेस प्राइमर ऑयल। ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग सा एक प्राइमर है और इसके लिए आपको ना बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, बस अपनी नोज़ एरिया के पास पे, टी जोन के पास पे। ठीक उसी तरीके से आपको थोड़ा सा लेना है। वैसे भी प्राइमर आपको थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, तो थोड़ा सा लेके आपको पूरे फेस में इसको अप्लाई कर लेना है। ये आपकी पोर्स को, लार्ज पोर्स को इनविजिबल कर देता है और एक स्मूथ फिनिश देने में आपको हेल्प करता है। और समर मेकअप लुक है, प्राइमर तो अप्लाई करना ही चाहिए ताकि आपकी बेस जो है वो बिल्कुल लॉन्ग स्टे रहे, बहुत इजीली आपकी पसीने की वजह से वो वॉश आउट ना हो जाए। तो इसी वजह से प्राइमर अप्लाई करना ही चाहिए। तो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टे क्विकरी की फाउंडेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फाउंडेशन को अपने पूरे फेस में एंड अपनी आईज एरिया पे, अंडर आईज पे एंड अपने पूरे फेस में, लाइक नेक पे, हर जगह पे एंड आई लिड्स पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज आप देख सकते हो ये जो फाउंडेशन है ये काफ़ी नेचुरल लुक दे देता है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हो एक साइड मेरा ब्लेंड हो भी चुका है, तो बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो सकता है। आप देख सकते हो मेरा पूरा बेस जो है अभी एकदम रेडी है। देन उसके बाद अपनी बेस को मैं सेट करूँगी SQ की कम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे SQ की कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ आता है एंड बहुत ही लाइक कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है इसका, तो इसी के साथ जो स्पंज आता है उसी की हेल्प से अपनी पूरे फेस को मैं सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो अंडर आई, आई लिड्स, हर जगह पर मैं इसको अप्लाई करके अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। तो समर मेकअप लुक है, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर तो यूज़ करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ताकि एक्सेस ऑयल वगैरह जो भी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और मेरा स्किन ऑयली है, मुझे तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी SQ की आई शेडो पैलेट, जहाँ पे आप देख सकते हो ये अमेजिंग सी 4 शेड्स है और सारी ही यहाँ पे स्पार्कली शेड मिलता है आपको। तो यहाँ पे मैं वायलेट कलर ले रही हूँ और वायलेट कलर लेकर अपनी पूरी आईलिड्स पे इसको अच्छे से मैं स्प्रेड आउट करूँगी। तब तक करूँगी जब तक मुझे मेरी रिक्वायर्ड सा कलर जो है वो अच्छे से मिलना जाता है और मेरी आईलिड अच्छे से डिफाइन नहीं हो जाता है, तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ लुक आ गया है। देन उसके बाद मैं SQ की काजल यूज़ करूँगी। गाइस दिस इज़ अमेजिंग, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में आपको डार्क ब्लैक एक लुक आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसी को मैं एज आ आई लाइनर भी यूज़ करूँगी और आप देख सकते हो ये मेरा फाइनल लुक हो जाएगा आई लाइनर, और मतलब काजल को आई लाइनर की तरीके से यूज़ करने के बाद। तो दोनों आईज पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी काजल को मैं थोड़ा सा एंगल ब्रश में लेकर अपनी आई ब्राउज को भी फिल कर लूँगी। गाइस आप कभी भी ना एकदम डायरेक्टली काजल को यूज़ मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट है, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ इस वजह से। तो आप कभी भी डायरेक्टली यूज़ मत कीजिएगा, उसे ना बहुत केकी सा लुक आ जाएगा, इस तरीके से यूज़ कीजिएगा, ये एक हैक है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देन अपनी आई लुक को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं एक गोल्डन सा शिमरी शेड इस आई शेडो पैलेट से ले रही हूँ और अपनी अंडर आईज़ के नीचे की तरफ इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई लुक थोड़ा सा डिफाइन हो जाए और थोड़ा सा कलर पॉप हो जाए, उस तरीके से मैं इसको फिल कर लूँगी, तो जैसा आप लोग देख रहे हो। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मिनी लिपस्टिक SQ की, और ये जो शेड है अमेजिंग शेड है गाइस, तो आप देख सकते हो कितना प्रीटी सा शेड है। तो इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी जैसा आप लोग देख रहे हो। पहले मैं इसको एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। तो मेरा शेड है यहाँ पे IO कप लाइक दिस 3, अमेजिंग शेड है। इसी को मैं अप्लाई करूँगी एज अ ब्लश, तो इस तरीके से मैं डॉट करके लगा लूँगी अपनी चिक्स पे एंड देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हो अच्छा सा एक लाइट सा ब्लशी सा लुक आ चुका है, तो इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। एंड
आप देख सकते हो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। तो गाइस दिस इज़ माय फाइनल मेकअप लुक। काफ़ी बीची सा सामरी सा वाइफ के साथ ये मेकअप लुक मैंने ट्राई किया है। आप लोग भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मेरे जो हैक्स अप्लाई किया है वो अप्लाई कीजिएगा और इस तरीके का लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये लुक आप सबको कैसा लगा। काफ़ी सिंपल है, ओनली 6 प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने किया है एंड उसके साथ साथ काफ़ी लाइक एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा आपकी लुक को, क्योंकि बहुत ही लाइक कलर पॉप है, बहुत ही लाइक नेचुरल है। तो जरूर इस लुक को आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा। बाय गाइस।